हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्प्लिट मैप खेल रहे हैं। तो इस वक्त मैं मिड में जा रहा हूँ। मैं मिड में देखने जा रहा हूँ कि किसी ने पुश तो नहीं किया। हमने उनके दो ओपनिंग टीम के जो हैं दो बंदे मार दिए गए हैं। अब किल जो है वाइपर और एक और बच्चा था जिसको अभी अभी जस्ट मारा गया, जो उनकी सेज थी। तो जो जोर हुआ उन्होंने उसने किल जॉय को ख़त्म कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा जो वाइपर है कहीं मिड से तो नहीं आ रहा। तो जो इनका वाइपर है ये बी मेन्स की हो रही है। तो जोरू ने वहाँ पे पीक ली और वहाँ पे इन दोनों की फाइट में जो है वाइपर जो मर गई। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि यहाँ पर हम ये राउंड जीत गए। तो फिर अभी यहाँ पे नया राउंड स्टार्ट हो गया। तो इस राउंड में मैं मिड में आया हूँ। पिछले राउंड में हम बी पे थे, मैं और एक मेरी प्लेयर मेरी टीम का एक और प्लेयर हम बी पर थे। तो मिड पर जो उनकी सेज आई है मैंने उसको 16 स्पैम मारा। तो अब मैं ज़रा पीछे हटकर पोजीशन लेने की कोशिश में हूँ। तो पीछे हटा, मेरे को लगा कि वो पुश करेंगे, रश कर रहे हैं वो मिड की ओर से। पर मेरे को वहाँ पे मेरा बंदा देखिए कि जो बंदा मेरा वो है वो मिड की ओर भाग चुका, मतलब बी मेन्स की ओर कोई नहीं है यहाँ से। मेरे को ये समझ में आ गया। तो वो बंदा वहाँ पर रुक चुका है, उसने भी वो बंदे स्पोर्ट कर लिए, इसलिए वो पीछे हटा, वो पीछे आ रहा है। तो यहाँ तो ये मिड में है, यहाँ ये वोटर्स की ओर है, या फिर ये तो उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन ली और वहाँ से वो भागता हुआ बी मेन्स की ओर से आ रहा है, क्योंकि वो मिड में है, सब लगभग मिड में है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर हेवन में होल्ड कर रहा हूँ कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि कोई आता कि नहीं आता। तो वो वोटर से होते हुए वो ए साइड की ओर जा रहे हैं। अब ए साइड की ओर उन्होंने हमारा एक बंदा मार दिया। मैं अभी भी हेवन को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे वो पुश करेगा ही करेगा जो है। तो पर अभी क्या चल रहा है कि वहाँ पे उसने पुश कर दिया और जो मेरी एम थी वो गलत थी, जिसकी वजह से वो उसको मैं पहले दिख गया, मेरा एक एंगल गलत था। तो अब यहाँ पे वो किल जॉय को यहाँ पे मेरी टीम का जो प्लेयर है उसने एक हेडशॉट मारा। तो ये इन्होंने बी साइड लेने की पूरी कोशिश करी है। तो बी साइड की ओर ये पहुँच रहे हैं अभी, एक अभी तक साइड पर वो आ चुके हैं। अभी यहाँ पे मेरे टीम के प्लेयर ने वो ब्रिमस्टोन को मार दिया, वो एकदम नीचे प्लांट कर रहा था। यहाँ पे हम वहाँ पे वो नीचे है, मारा उसको, यहाँ पे हम प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो रेन है ये ए साइड की ओर थी। तो अब वो जो रेना के साथ जो टीम का तो मेरी टीम का जो दूसरा प्लेयर है वो चेक करेगी कहाँ से आएगी। तो हमने बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया तब तक और हम जीत गए फिर ये राउंड। तो इसमें फिर अगले नेक्स्ट राउंड में हम जो है, मैं फिर से इस वक्त जो है हेवन में जाकर मिड देख रहा हूँ कि वहाँ पे किसी ने पुश किया कि नहीं किया। तो वैसे मेरे को साउंड आया था इसलिए वहाँ पे वाइपर ने पुश किया था, तो वाइपर को मार दिया गया। इसलिए यहाँ पे अब मैंने डैश किया, डैश करके मार के गया ताकि किसी ने मेरे पर रश ना किया हो, क्योंकि उसने अपना स्टन चला दिया था। अब मैंने शेरिफ निकाल ली ताकि अगर देखता हूँ अगर किसी का हेडशॉट लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो मिड में बंदा था, उसने हमारे टीम के प्लेयर को मार दिया। तो हमारे टीम का जो प्लेयर है उसने अपने टीम के जो दो बंदे वो मिड में मार दिए। तो इसलिए अब मेरे को लग रहा है कि जो तीसरा बंदा वो बी मेंस की हो रहा है हम दोनों को। तो इसलिए हम बी मेंस की ओर अब पुश कर रहे हैं। तो पुश करते करते कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो ऊपर ये बंदा जो है ये स्पॉन की ओर भाग गया गया था बी मेन ही, पर बी मेन से होते हुए स्पॉन की ओर भाग गया। तो सब पूरी टीम उसके ऊपर रश कर रही थी, इसलिए मैं फिर मिड में आ गया। तो ये भी हमें राउंड, मैंने इस राउंड में जेट ली। तो जेट लेकर मैं मिड में गया। मिड में जाकर मैंने देखा कि किसी ने पुश तो नहीं किया। उसके बाद में मैं हेवन में जाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे को जो टीममेट है मेरे टीममेट का उसने थोड़ा सा कॉल किया, पर फिर मैंने कॉल को रिजेक्ट करके मैंने आगे बढ़ा। तो मेरे को ये कॉल आई है कि वो ए साइड जा चुके हैं क्योंकि बी साइड से उन्होंने रोटेट मारी है। तो अब ए साइड के ऊपर गए, तो ए साइड के ऊपर जब ये कॉल मिला, लेकिन उसके बाद में फिर से ऐसा लगा, ऐसा कॉल आया कि जो एक बंदा है वो रोटेट कर चुका है बी साइड की ओर। तो मैं रिवर्स जाने की कोशिश की, बट फिर जो है बॉम्ब था वो बॉम्ब उसकी ए साइड के ऊपर प्लांट कर दिया उन्होंने। तो जो एक बंदा था वो अभी तक स्पॉटेड नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि वो पीछे से आएगा बी साइड की ओर से, रश मारेगा हम पे। तो अब बी साइड की ओर जा रहे हैं, पर वहाँ पे जो मेरा मेरा प्लेयर था उसको उन्होंने मार दिया। तो इसलिए अब तो ये कन्फर्म हो गया था कि ए पर ही प्लांट करने वाले हैं वो। तो अब यहाँ पे जो है, तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मेरे को लग रहा है कि वो ऊपर से आएगा, बट नहीं। फिर यहाँ से यहाँ पे वॉल टूटी है, उन्होंने बॉम्ब प्लांट कर दिया। मेरे को लगा कि वो बाहर को निकलेगा, एक ऊपर हेवन में है। तो अभी जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उनकी टीम की रेना और ये ब्रिमस्टोन बचा हुआ है। तो जैसे मारा तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरी एम गलत थी, इसकी वजह से मेरे जो है मरना पड़ गया। तो यहाँ पे थोड़ी सेटिंग शूटिंग हो रही है। तो फिर हम नेक्स्ट राउंड की ओर गए। तो अभी ये राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी मैं फिर से मैंने वेंडर ले लिया और यहाँ पे मैं ना स्मोक, मैं कोशिश कर रहा था उसको घुमा कर डालने की स्मोक को, पर डाल नहीं पाया मैं।
कोई नहीं, एक दिन डाल लेंगे। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मेरे से किसी ने पूछ तो नहीं किया अभी तक, मेरे से किसी ने पूछ नहीं किया, पर वो ए साइड चले गए हैं। ए साइड, तो ए साइड के ऊपर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैं रॉब्स होते हुआ गया, तो यहाँ पे उनकी एक टीम ने पुश कर दिया, तो मैंने फायरिंग करी जिसकी वजह से रेना बच गई। तो उस पर रेना ने उसको मारते उसके ऊपर पुश करके, मतलब 2:1 हो गया था, इसलिए वो मतलब बेसिकली वो इसी चक्कर में मर गई कि दो बंदों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मिड से अब कोई पुश करेगा क्योंकि वाटर से होते हुआ कोई आएगा। तो जैसे जैसे ऐसे हुआ तो मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्योंकि मेरे को पता था कि वो वाटर्स की ओर से पुश जरूर करेंगे। तो मैंने वाटर्स की ओर एम करी, तो जैसे था ये बॉम्बर था, ये बॉम्ब लेके वहाँ पे खड़ा, किल जो वहाँ पे खड़ी होगी, तब बॉम्ब ड्रॉप हो चुका है मिड में। तब मेरे को लगा कि कोई और भी आएगा, मैंने एम लगाई वहाँ पे, तो एम जब तो, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि उस बी साइड, बी की ओर, बी मेन्स की ओर से भी आ रहा है, क्योंकि उन्होंने प्लान यही था कि वोटर्स और बी मेन्स की ओर से होते हुए जाएंगे। बट जो जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वहाँ पे तो सही लगा था। अब रेना ने वहाँ पे अपना फ्लैश किया जिसकी वजह से मेरा प्लेयर अंधा हो गया, तो मर गया। तो अब यहाँ पे जो हमारी के ये रेज है ये ऊपर मिड में देख रही है, क्योंकि उन्होंने बी साइड के बॉम्ब उठाकर वो बी साइड की ओर जा चुकी है, रेना वो वहाँ पे प्लांट कर रही है। तो ये दबे हुए बॉम्ब से आगे बट रहे बट रहे बट रहे, टाइम ही खत्म हो रहा, बॉम्ब प्लांट कर दिया उन्होंने, ये बॉम्ब, इसने बॉम्ब प्लांट करके वो सिटी की ओर जा रही है। तो वो साउंड आ गया, तो बस अब यहाँ पे ये राउंड खत्म हो गया। इसने अपनी गन उठाई, गन उठा के सीधे वो डिफ्यूज़ कर रहा है, जो हमारी सेज है वो डिफ्यूज़ कर रही है बॉम्ब को, और जैसे डिफ्यूज़ होता है बॉम्ब हम ये राउंड जीतते हैं। तो उसके बाद में जब हम नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम आगे जाते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर हम बढ़ते हैं अभी, तो अब नेक्स्ट राउंड में क्या होता है कि अभी हम देख रहे हैं कि क्या करना है। अभी बाय फेस चल रहा है, बाय गन लेके अब आपको नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं। तो इस राउंड में मैं ए साइड की ओर आया हूँ, ए साइड की ओर से मैंने ए मेन की ओर फायरिंग करी फ्री फायर, और मेरे को पता लगा कि वहाँ पे अभी तक कोई बंदा सपोर्ट ही नहीं हुआ मुझसे, कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट उठाया, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं, सब बी मेन की ओर से वहाँ पे कॉल आई थी, तो मैं बी मेन्स की ओर अब भाग रहा हूँ, पर ये देख रहा हूँ कि यहाँ से कोई बंदा पुश तो नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पे ज़रा होल्ड किया, क्योंकि वहाँ पे बंदे थे, मेरे दिमाग में आया कि मेरी पूरी टीम वहाँ जा चुकी है, तो बेसिकली वहाँ पे है। तो एक बंदा रोटेट करके रैंप की ओर आ गया, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ कि वो ये कॉल आई कि वो जो बंदे हैं वो रोटेट मार चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो वोटर्स की, वोटर से होते हुए ही आए थे यहाँ पे। तो वहाँ पे जो उनकी सेज थी वो फ्लैश है, मैंने यहाँ पे स्पैम मारना चालू करे, तो एक जो बंदा, तो उन्होंने जो उनकी रेना थी वो ऑलरेडी हेवन की ओर पुश कर चुकी है। तो अब क्या हो रहा है कि अब मैं, अब सिर्फ दो दो बंदे बचे हैं मेरी टीम से, एक मैं हूँ और एक और है। यहाँ पे ब्रिमस्टोन ने अपनी जो है यूटिलिटी का इस्तेमाल किया, तो अभी जो है वो साइड पे जाकर उन्होंने बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश में है वो पूरे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो रेना थी वो अभी भी ऊपर ही है, वो ऊपर थी, तो यहाँ से किल जो है, क्योंकि वहाँ पे एक साउंड आई थी किल जो, मैंने उसको टैग दिया, उसने मेरे को टैग दिया, तो मेरे को लग रहा है कि पुश और पुश होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्पैम मारा, तो मैंने देखा कि किल जो अभी तक आई नहीं, मैंने तो वहाँ पे मेरा बंदा मर गया, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे मेरे पे स्पैम मार मारा और मैं स्पैम में फंस गया, तब भी हम ये राउंड हार गए। तो इस राउंड में मैं आया हूँ बी साइड, बी साइड अभी 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड में बस ये राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो इस राउंड में हम दो, जो कि एक अपनी ये सेज है और एक मैं हूँ जो कि जेट है, तो अभी हम देख रहे हैं अब हम दोनों पीक लेंगे, वो अपनी ऑप से लेने वाला और मैं यहाँ पे बैंड लेके इसलिए खड़ा हूँ कि कोई रश ना कर दे उसको प्रोटेक्शन के लिए। पर हमें यहाँ पे ये पता लगा कि यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट उठाया, पॉइंट उठाकर अब हम ए साइड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ए साइड की ओर हमें ये कॉल आई है कि उन्होंने पुश कर दिया हुआ टीम ने ए साइड की ओर। तो अभी हम ए साइड की ओर भाग रहे हैं भाग रहे हैं, जैसे हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं पहुँच रहे हैं पहुँच रहे हैं, और पहुँचने पहुँचते क्या हो गया कि बस मैं और यही बचे जो कि हम दोनों बी साइड की ओर आ रहे थे, बी साइड से आ रहे हैं। तो अब जैसे वो जो सेज है वो ऊपर गई है, और मैं यहाँ पे मैं नीचे से मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ओपनर टीम की जो सेज है वो वॉल करने के लिए आती है, तो मैं उसको मारते हुए वॉल तोड़ता हूँ सबसे पहले। तो अब क्या है कि जो वाइपर है वो अपना थूक फेंकती है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे स्मोक कर देता हूँ ताकि ये देखने के लिए। अब यहाँ पे ब्रिमस्टोन जो है वो अपना यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, और मैंने फिर से स्मोक करी ताकि वहाँ पे कोई है तो नहीं, पर मैंने ये मेरा देखने से रह गया, वो नीचे बंदा था तो वो ज़रा बाहर निकल के उसने मेरे पे मार दिया, पर मेरे मैं मतलब मेरी नज़र में नहीं आया वो। तो यहाँ पे वाइपर ने अपना अल्ट भी इस्तेमाल कर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू दी चैनल, और अगर कोई सजेशन देनी हो आपको वीडियो कैसे बनानी है तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।